आत्मज्ञान हो जाने के बाद क्या करना शेष रहता है? जब मनुष्य को अपने आप की समझ हो गई, स्वरूप का ज्ञान हो गया, मैं देह नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ और इस संसार में कुछ मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, एक संबंध है, गुरुवा संघात है। इस प्रकृति की हलचल में पढ़ करके एक संघात है, संबंध है, किंतु कोई किसी का है नहीं। सब जीव अलग अलग हैं, सबकी स्वतंत्रता है और सब अपने कर्मों की गठरी लेकर के चल रहे हैं, दुख सुख भोग रहे हैं, सुख तो कुछ नहीं, दुख भोग रहे हैं, सुख का आभास है और दुख का भोग है। इस जन्म मरण की यात्रा में, इस संसार के प्रपंच में बहते बहते क्लेश के सिवा कुछ नहीं, और ये सब का कारण वासना है, तृष्णा है। वासना तृष्णा छोड़ करके जीव अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। और यह काम करने में हमारी पूरी स्वस्थता है। सच्चे सद्गुरु और अच्छे संतों की संगत में रहकर, उनका आधार लेकर ये काम करना होगा। ये बात सब समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं, कोई दूसरा दुख नहीं दे सकता है। किसी भगवान की माया हमें नहीं सता रही है, हमारी माया हमें सता रही है। कोई भगवान हमें तार देगा ये भी बात नहीं, हमें स्वयं तरना पड़ेगा। ये सब बातें समझ में आ गईं। जो समझने की बातें हैं उसमें कसर नहीं, अब इसके बाद क्या करना है? जिसको एक वाक्य में कहें कि स्वरूप बोध, आत्मबोध हो जाने के बाद कौन सा काम करना शेष रहता है, वो एक ही काम है, स्वभाव को सुधारना। और इसी में मेहनत है और यही आदमी को कठिन लगता है, क्योंकि स्वभाव की सुधार करने में जो रोड़े हैं वो सब अपने दुर्गुण हैं, आसक्ति है। लेकिन जो चाहेगा वो सुधारेगा। एक कलाकार अनगढ़ पत्थरों को लेकर तराशता है और उसमें सुंदर सुंदर मूर्तियां और वस्तुएं बनाता है। हम अपने जीवन को न तराश सकें, क्या हमारा महत्व है? घमंड तो सबको है, हमारी बुद्धि सबसे बड़ी है, दुनिया की पूरी बुद्धि में आधी बुद्धि मेरी है और आधी में सारे संसार के है। ये घमंड सबको है और इस घमंड के समान मूर्खता कुछ नहीं।
जब तक कोई दीन न बनेगा, विनम्र न बनेगा, तब तक अपने को सुधार नहीं सकता है। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। तरने का रास्ता दीनता है, डूबने का रास्ता अभिमान है। अनाथ काल से डूबते ही रहे हैं, अब जगने की आवश्यकता है। स्वभाव सुधार यही खास काम है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के द्वार कहे जाते हैं। कहे जाते ही नहीं हैं, तथ्यतः हैं। काम केंद्र में है, क्रोध और लोभ उसकी परिधि में है। काम जब सफल होता है तब लोभ बढ़ता है, और काम जब असफल होता है तब क्रोध बढ़ता है। हमारी कामनाएं सफल नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, और कामनाएं सफल हो गई तो लोभ बढ़ जाता है। इसलिए एक काम की धुरी पर क्रोध और लोभ भी नाचते हैं। जो काम को वश में कर लेता है उसके क्रोध लोभ दोनों शांत हो जाते हैं। काम शब्द सुन करके उसका एक ही अर्थ लोग मानते हैं, लेकिन एक ही अर्थ नहीं है, वो तो है ही, मुख्य तो वही है। स्त्री और पुरुष के अंग मिलन की चेष्टा वाला जो काम है वो मुख्य है, वो समुद्र है, और इच्छाएं सरिताओं की तरह हैं, तो वो तो है ही। लेकिन अगर किसी को गुरुवाई की इच्छा हो, गुरुवाई का काम हो, काम नहीं कामना कि हम गुरु बने, तो पतित हो गया, महंत बने, अगुआ बने, मठ के अधिपति बने, तो पतित हो गए। भूख लगी हो और ये इच्छा हो कि भोजन मिल जाए, ये ठीक है। तन पर कपड़े ना हो, ठंडी गर्मी सताती हो, कपड़े की इच्छा हो, ये ठीक है। लेकिन गुरुवाई की इच्छा हो, महंती की इच्छा हो, अगुवाई की इच्छा हो, चौधराना करने की इच्छा हो, तो ये नरक का द्वार है। ये परमार्थ क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में ये बातें हैं, इसलिए मैंने इसका उदाहरण दिया। फिर सरपंच होने की इच्छा, प्रधान होने की इच्छा, MLA MP मंत्री होने की इच्छा, घर के मालिक होने की इच्छा, उसमें सहज आप समझ सकते हैं। जब गुरु बनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए तो MLA MP बनने की इच्छा कल्याणार्थी को क्या होगी। कामनाएं हमें सताती हैं और भटकाती हैं। आप कह सकते हैं फिर MLA MP कौन होगा, वो तो बहुत हैं, मारा मारी करके होने में लगे हैं। यहाँ तो कल्याणार्थी की बात है, जो कल्याण चाहे उनको निष्काम होने की ज़रूरत है। आप अगर कहें सब निष्काम हो जाएं तब कैसे दुनिया चलेगी, तो दुनिया चलेगी क्या, दुनिया चली चलाइए। सब निष्काम हो जाएं, न फौज की ज़रूरत, न पुलिस की ज़रूरत। अगर दुनिया से सेना की सत्ता हट जाए और सामरिक साधन न बने, दुनिया का विकास एक ही दो वर्ष में बहुत ज़्यादा हो जाए। एक तो राक्षसी प्रवृत्ति है मनुष्य की, उसके कारण हर राष्ट्र बड़ी बड़ी सेना और अस्त्र शस्त्र
का प्रबंध रखते हैं सभी राष्ट्र, एक दूसरे को डराते हैं, धमकाते हैं। आजकल तो अरबों अरबों की लागत में अस्त्र शस्त्र बनते हैं, जिसको गिरा देने पर पता नहीं कितने लोग भुन जाएं, जमीन राख हो जाए। ये सब संहारक साधन, विनाश के साधन, ये राक्षसी वृत्ति का ही परिणाम है। देव कहाँ बैठा है, वो क्या कर रहा है? इन बेअकलों को समझा नहीं सकता है। पूरी दुनिया में राक्षसी प्रवृत्ति, इराक की दशा आप देखिए, और फिर उसके साथ जो हुआ, और भी हर जगह तो है, भारत कहीं अलग है। आतंकवादी भून भून करके लोगों को, निरपराध लोगों को चले जाते। एक दिन अगर कानून उठा लिया जाए, 20 सितंबर को पूरे भारत में कोई कानून नहीं रहेगा, कोई कुछ करे उसके लिए कोई कानून लागू न होगा, तो 20 तारीख को चलना मुश्किल हो जाएगा। जब कोई उत्पात आता है और पुलिस ढीली हो जाती है, तो देखते नहीं, फूंक ताप और लूट। राक्षस, राक्षसी प्रवृत्ति कितनी भयंकर है। इस सब के मूल में क्या है? कामना, अधिक भोग हमें मिले, अधिक पद सम्मान हमें मिले, देह, देह का अहंकार, देह और इंद्रियों के भोग की लालसा, यही सब सारा क्रूर कर्म करवाती है। काम धुरी है और काम के इर्द गिर्द क्रोध और लोभ नाचते हैं। क्रोध से हिंसा और लोभ से पर सत्व का अपहरण, पराय हक को मारना, दूसरे के लिए कोई हमदर्दी ही नहीं है, दूसरे के हक को मारना, ये घूस जो लेते हैं भगवान के भगत होते हैं। जो घी में डालडा और डालडा में चर्बी मिलाते हैं, सब भगवान के भगत होते हैं। और जो मंदिरों मस्जिदों में असलाह रखते हैं और दूसरे पर हमला करते, वो भी भगवान के भगत होते हैं। भगवान की भक्ति तो इतनी है, नौ नौ नेजा ऊपर तक, शायद 7 हाथ का या 9 हाथ का नेजा मानते होंगे, नेजा भाला जितना माने, नौ नौ नेजा ऊपर तक भगवान की भक्ति। और शैतानियत का आचरण, ये इसके मूल में काम है। काम ही मूल था जो रावण ने इतना उत्पात किया था कहानी के अनुसार। क्योंकि लंका वाले कहते हैं कि भारत वालों ने हमारे ऊपर एक रावण थोप दिया, लंका में रावण का कोई इतिहास नहीं। लेकिन कहानी के अनुसार रावण का सारा उत्पात एक काम के पीछे रहा। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों काम के पीछे लड़े और मरे, जुआ खेल करके विजयी हों, दोनों को कामना थी। ये बड़ी बड़ी कथाएं हैं। अपना जीवन सबसे बड़ी कथा है। अपने जीवन का हमें विश्लेषण करना चाहिए। दूसरे का उदाहरण तो केवल प्रेरणा के लिए है, काम तो होगा अपने जीवन का विश्लेषण करने से। हम अपने जीवन को देखें, समय बहुत काफ़ी बीत गए हैं और स्वभाव में कम अंतर आया है।
अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है, वही लोलुपता है। जीव की लोलुपता, चाम की लोलुपता, वही क्रोध का वेग, वही चिड़चिड़ापन, वही भड़बड़ापन। मीठ नहीं बोल पाते हैं, कोमल नहीं बोल पाते हैं, स्वार्थ की भावना मन में आती रहती है, अभिमान मनोविकार जगते रहते हैं। कब इनका सुधार होगा, कौन दिन आएगा? दुनिया के जो बड़े बड़े संत हुए हैं, उनका काल जो रहा है आज ही जैसा रहा है, आज ही जैसे वर्षा, गर्मी, शरद ऋतुएं रही हैं, आज ही जैसा गर्दा गुब्बार, कीचड़ पानी, हल्ला गुल्ला, राग द्वेष, कला कल्पना रही है, आज ही जैसा सब कुछ रहा है, बल्कि हो सकता है और विकृत रहा हो। पूरा काल जिसको हम सत्युग कहते हैं, त्रेता कहते हैं, वैसे आप ये भी ध्यान दें कि सत्युग, द्वापर, कलयुग, त्रेता इत्यादि का वर्णन ये पुराना नहीं है, ये 2000 वर्षों से ज़्यादा प्रचलित है। वेदों में युग शब्द आया है जोड़ा के लिए, जुआठा के लिए और छोटे छोटे कालखंड के लिए। यजुर्वान दसवें युगे, दसवें युग में यजुर्वान बूढ़ा हो गया, दसवें युग दसवां दशक, जब 90 वर्ष की उम्र बीती और 91 लगा तो दसवां युग है, एक दशक का एक युग। तो युग शब्द छोटे छोटे कालखंडों के लिए वर्णित है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों का वर्णन वेदों में कहीं नहीं। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसमें चारों युगों का नाम एक साथ आया। कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठम अस्त्रेता भवति कृतम संपद्धते चरण। कलि शयानो भवति, शयानो शयान, आदमी जब सोता है तो कलि है, शय सोना, जब आदमी सोता है तो कलि काल है, मानो कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः। संजिहानस्तु जग गया तो द्वापर आ गया, कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठम अस्त्रेता भवति, उत्तिष्ठम उठ खड़ा हुआ तो त्रेता हो गया। कृतम संपद्धते चरण, चरण जब वो गतिशील हो गया, चलने लगा, तो कृतम सतयुग हो गया, कृतयुग यानी सतयुग हो गया। ये चारों युगों का वर्णन इस ढंग से है, कालखंड से नहीं है। वही आदमी जब सोया है, अज्ञान में डूबा है, मोह में डूबा है, तो कलिकाल में, जग गया तो द्वापर में, उठ खड़ा हुआ साधना में लग गया तो त्रेता है, और गतिशील हो गया कल्याण मार्ग में तो सतयुग है। पुराणों में जो कालखंड का वर्णन युगों के लिए है, सब पीछे की कल्पना है। सतयुग में दूध की नदी बहती थी, कोई तकलीफ नहीं थी त्रेता में, लेकिन उस युग का जब समय बताते हैं तब दास प्रथा थी। जैसे आजकल बैलों का बाजार, घोड़ों का बाजार, हाथियों का बाजार होता है, वहाँ आप जाएं घोड़ा हाथी बैल खरीद लाएं, ऐसे मनुष्यों का बाजार होता था। हमारे 10 दास दासी हैं, गुलाम हैं, पैसे की ज़रूरत है, एक दो को ले जा करके बाजार में बेच आए, लोग खरीदने आते थे तो पुरुष या स्त्री जिसको खरीदना चाहते थे देखते थे,
उसको उठा के चलाते थे, बात करते थे, कपड़े हटा करके कुछ अंगों को भी देखते थे, कहीं चोट दाग क्या है, कैसे है, स्वभाव परखते थे, तब दाम लगाते थे। कोई गुलाम है तेज तर्रार सुंदर, दाम ज़्यादा पड़ता था। ऐसी स्त्री है, भोला भाला है, कम बुद्धि का है, कम दाम में खरीदा जा सकता है, टेढ़ा मेढ़ा और थोड़े दाम में मिल जाता है, जैसे गिरा पिरा बैल थोड़े दाम में मिल जाता है। इस प्रकार जानवरों की तरह आदमी को खरीदा बेचा जाता था। पुराणों में आता है अमुक ऋषि मुनि को इतनी दास दासियाँ दान दी गई, तो क्या वो मशीन में बन ढलते थे? ये मनुष्य होते थे। हार जाने पर लोगों को गुलाम बना लिया जाता था, जो हार जाते थे, कर्ज लिए हैं नहीं दे पाए तो गुलाम बना लिया गया। गुलामी की प्रथा नेपाल में 100 वर्ष हो रहे हैं ख़त्म हुए, बहुत पीछे नेपाल में ख़त्म हुआ है, भारतवर्ष में ही पूरा काल में रहा, यहाँ बहुत पहले ख़त्म हुआ। तो जो कुछ गंदगी आज है इससे बढ़ चढ़ करके भी पहले रही है, कम नहीं रही, लेकिन उसी समय विवेकवान अपना कल्याण किए हैं। संसार ऐसे रहेगा, संसार को आप दूध का धोया नहीं बना सकते हैं। आप स्वयं अपने को सुधारें, स्वयं अपने को देखें, समझें, अपने को सुधारने की शक्ति सब में है। हर इंसान अपने को सुधार सकता है। अगर हम सुधरने में स्वतंत्र नहीं हैं तो कल्याण की भूमिका कहाँ है? हमारा कल्याण किसी दूसरे देश और काल में होगा? ये मनहूसी बात बिल्कुल गलत है। आज होगा, इसी देश में, इसी काल में हमारा कल्याण होगा, क्योंकि परमार्थ या सत्य से देश काल की दूरी नहीं है। परमार्थ, सत्य, परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, कल्याण, ब्रह्म, ये जितने शब्द कहे जाते हैं, इन शब्दों का जो अर्थ है वह किसी दूसरे देश में है, दूसरे काल में है, ये उपदेश बिल्कुल गलत है। देश काल की दूरी है ही नहीं, जहाँ मैं हूँ वहीं परमात्मा है, जिस काल में हूँ वहीं परमात्मा है। आत्मा से अलग कहीं परमात्मा आप पाएंगे खोज करके? पाना नहीं है, नित्य प्राप्त है, विस्मरण है, स्मरण में आना है, सही दशा में ठहरना है, पाना कुछ नहीं, जो कुछ आज तक पाए हैं उनका विसर्जन करना है, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किए हैं। आदमी बैठे अकेले में तो उसके अंदर में क्या उठता है? काम, क्रोध, द्वेष, ईर्षा, अहंकार, चिंता, उद्वेग, यही सब उसके चित्त में उठते रहते हैं। यही तो कमाई है आज तक की, और क्या है? राम रहीम कहते रहो, जीवन बीत जाएगा राम रहीम कहते, और शास्त्रों के मंत्रों का पाठ करते। जब तक कोई स्वभाव सुधार पर जोर नहीं डालेगा, ये कूड़ा कचड़ा बाहर निकलेगा नहीं। स्वभाव सुधार पर ध्यान दो। दुनिया रुई को धुनता है, एक एक रेशे अलग कर देता है, और सारा कचड़ा छड़ जाता है। एक बार का मुझे अनुभव है, पूर्वाश्रम में था, एक रजाई भराना था, रुई खरीदा, रजाई खोल, दोनों लेकर के धुनिया के यहाँ गया। धुनिया
कि धुन्नी की जो जगह थी एक फूस का कमरा था और दीवार और जमीन सब मिट्टी की और इतनी लिपी पुती एकदम चमकती थी, उसमें कुछ नहीं था, केवल दुनिया का धनुही टंगी थी। और मैं एक कोने में बैठ गया और धुनने लगा और जो उसकी निष्ठा लगन एक रस धीरज, हर काम में बहुत धीरज होता है, और उसने जो धुना, रुई जब थी तो रुई बदसकल लगती थी, धुन करके जब उसने रुई को पूर्ण रूप दिया कितना सुंदर लगती थी। सारा कचरा नीचे झड़ गया था, वजन भी रुई की घट गई थी, तौलने के बाद घटी, वही उसको दे के चला जाता तो सोचता उसने रुई चुरा ली, इसलिए दूसरे पर संदेह करना ठीक नहीं, विश्लेषण करना चाहिए, संदेह की बात हो मान न ले अपने मन के संदेह को। उसने रुई की रेसे अलग कर दी और सारा कचरा नीचे झड़ गया। ऐसे हमें करना चाहिए, अपने विचारों के रेसे धोने, सारा कचरा झड़ जाए, स्वच्छ रुई के समान हमारा मन हो जाए। ये कौन करेगा, हमें करना है, न भगवान करेंगे न गुरु करेंगे। भगवान परोक्ष है, भगवान आपकी अवधारणा है, पवित्र अवधारणा है, गुरु सामने हैं लेकिन वो केवल बताएंगे, वो अपना धुनेंगे, अपना उन्होंने धुन लिया है तो उनका व्यापार है, वो बताएंगे। आपको स्वयं अपना धुनना पड़ेगा, वो जितना धुनते हैं बाहर से धुनते हैं, बाहर से धुनना गुरु कुम्हार सिसकुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, गुरु कुम्हार है और शिष कुंभ है घड़ा है, गड़गड़ काढ़े खोट। कुम्हार एक मिट्टी का लौंदा जो पका पकाया रहता है चिकना, हाथ में ले करके घड़े के अंदर घड़े की दीवार पर अंदर से थामे रहता है और ऊपर से थपकी से पीटता रहता है, नीचे थामे न रहे तो टूट जाएगा घड़ा। गुरु यही कर रहे हैं, शिष्यों को संभाल संभाल कर उनको सम्मान देकर पीटते हैं, उपदेश करते हैं, धुनते हैं, जो बताते हैं उनको रास्ता दिखाते हैं, समय से झाड़ फटकार भी कर सकते हैं, वैसे झाड़ फटकार से कोई फायदा नहीं, प्रेम से ही सब कुछ होने वाला है। लेकिन कहीं कहीं थोड़ी डांट हो गई तो डांट भी प्यारी है। कुल मिलाकर के गुरु जो बाहर से धुनता है वो इतने उपदेश देगा, बताएगा, समझाएगा, प्यार से कहेगा, फटकार से कहेगा, भीतर तो आप हैं, आपके मन का दृष्टा गुरु नहीं है, आप खुद हैं। आप अपने मन को बैठ के देखें और धुनें और सुधारें, नहीं सुधारेंगे जिंदगी बीत जाएगी, कोरे के कोरे रह जाएंगे, भगत हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे, वेश हो जाएगी, दीक्षा हो जाएगी, वेश क्या करेगा, दीक्षा क्या करेगी, जब तक कोई अपने को सुधारेगा नहीं तब तक दीक्षा और वेश कुछ नहीं करेंगे। दीक्षा वेश उसके लिए है जो करे। सूरवीर के हाथ में तलवार आने पर तब उसमें गर्मी आती है, कायर आदमी के हाथ में तलवार दो क्या गर्मी आएगी। वेश दीक्षा जो संवेदनशील है उसको उद्बुद्ध करेंगे, संवेदनहीन आदमी के लिए क्या हुआ,
भरवाए नट भाट के चपर चढ़े संग्राम, की वे भागे आई हैं की बांधे परिणाम। ये गोस्वामी जी ने अपनी दोहावली में कहा है। भरवाए नट भाट के, भाट ने नट को भरवाया, भभकी दी, वीर हो चढ़ जाओ दुश्मनों पर, तलवार ले लो। भरवाए नट भाट के चपर चढ़े संग्राम, भाट के भभकी देने से नट लोग संग्राम में चढ़ गए। तो गोस्वामी जी कहते फल क्या होगा, या तो बांध लिए जाएंगे या तो भागे आएंगे और कुछ नहीं होगा। ये नट लोग लड़ पाएंगे, आपस में झगड़ा करने के तो तेज हैं, गाली गुप्ता देने के, अब मांगेंगे खाएंगे, लड़ाई नहीं कर पाएंगे। भरवाए नट भाट के चपड़ चढ़े संग्राम, की वे भागे आई हैं की बांधे परिणाम। कायर कूचर साधु वेश धर लेगा तो क्या करेगा, गंदगी फैलाएगा, नखरा बनाए राम न मिले हैं। संतोष सोधो अपना शरीर, बजर देके छतिया होना फकीर। वेश में क्या लगता है, कपड़ा बदल लिया, कपड़ा बदलने में क्या होगा, जीवन बदलना है। जीवन बदले उसके लिए कपड़ा भी बदला जाता है, वेश का अपना महत्व है, लेकिन वो करनी ही से। वेश साधुता का लक्षण नहीं है, भक्ति ज्ञान वैराग का लक्षण नहीं है, चिन्ह है, बाहरी वेश मात्र है, लक्षण नहीं। लक्षण तो मन पर विजय है, स्वभाव सुधार, स्वभाव की गंदगी परत पर परत है। सबको गुमान है तो हम तो सुधरे ही हैं, किसी कह दो तुम गलत हो, लाल हो जाएगा, लेकिन एक विवेकी को कह दो गलत हो, वो नम्र हो जाएगा। विवेकी कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा लोग मुझे क्या कह दिए, मैं ऐसे ही कहलाने योग्य हूँ। अगर मुझे लोग गलत कहते हैं तो ठीक कहते हैं, जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है, जो जीवन को समझा वो जीवन के लिए रोता है कि हम जीवन क्या जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। अकेले में बैठो, अपने मन को देखो, मन क्या सोचता है, कागज पर लिखो। 10 मिनट का कागज भी दूसरे को दिखा नहीं पाओगे, इतनी गंदगी है, ऐसी सी बात सोच सकते हो। अब अगर ये नहीं है, निर्मल है, तो फिर पूरा जीवन है। और अगर बीच बीच में गंदगी आ जाती है तो दाग है। देखो अपने अपने चादर को, मन की चादर। ज्ञान हो जाने के बाद स्वभाव सुधारना शेष रहता है, जो वही लंबी यात्रा है, वही परिश्रम की बात है। एक तो ज्ञान ही लोगों को नहीं होता है, क्योंकि अच्छी जगह लोग नहीं पहुंचते हैं, धर्म सभाएं कम होती हैं, ज़्यादातर तो हल्ला गुल्ला, कीर्तन कथा, रासलीला, ये सब होता है। ज्ञान विवेक की बात जहाँ हो ऐसी सभाएं कम होती हैं। ऐसी सभाओं में भी ज़्यादातर तो भक्ति का वर्णन करते करते समय बिता देते हैं, भगवान की महिमा, देवता की महिमा, संत की महिमा, हमारे गुरुजी महाराज, बैठे थे सिंहासन पर, गद्दी पर, दुश्मन उनको मारने आए तो गुरुजी के गुरुजी पीछे खड़े दिखाई दिए, जो मर चुके थे, तो दुश्मन भयभीत हुए कि इनके गुरुजी जो चले गए मर करके, वे खड़े हैं, भयभीत होके भाग गए। बेकार की बात है, जो मर गया वो कैसे आ सकता है। धर्म वाले जितना झूठ बोलते हैं उतना झूठ शायद कोई बोलता हो, दूसरे भी झूठ बोलते हैं लेकिन वो बदनाम है, और धर्म वाले झूठ बोल करके प्रशंसित है।
चमत्कार की जितनी बातें हैं सोलहों आने झूठी हैं, चाहे वो धर्म शास्त्रों में लिखी हों, चाहे दुनिया के बड़े से बड़े पुरुष के नाम में जुड़ी हों, सब की सब झूठी है। जैसे गुरु महाराज मर जाने के बाद आए, गुरु महाराज कई सौ वर्ष के हैं, सिद्ध योगी आकाश में उड़ते हैं, बिना खाए रहते हैं, सबके मन की बात जान जाते हैं, जो चाहें सो कर सकते हैं, किसी को लड़का बच्चा धन दे सकते हैं, मुकदमे में विजय करा सकते हैं, थोड़ा चावल से भात बनवाए और कई हंडे भात हो गए, हजारों का भोजन बनाना था, लकड़ी थोड़ी सी थी, गुरु महाराज देखे लकड़ी बढ़ गई, एक आश्रम बनना था 20 फीट की सहतीर चाहिए थी लेकिन 19 फीट की थी, गुरु महाराज देखे तो 20 फीट की हो गई। इन जैसी बातें सोलहों आने झूठी हैं और धर्म में बड़ी मज़े से चलती हैं। और इसमें कोई संप्रदाय बचा है आंशिक रूप में, सारे संप्रदायों की यही लीला है। मूल पुरुषों ने जो एकदम क्रांति की बात कही, जैसे बुद्ध, कबीर, लेकिन बुद्ध और कबीर के मत में पीछे चलने वालों में ऐसे बड़े बड़े दल हैं जो घोर चमत्कार में डूबे हैं। वेद शास्त्रों, उपनिषदों को अपना ग्रंथ मानने वाले घोर चमत्कार में डूबे हैं। उपनिषदों में कहीं चमत्कार नहीं है। वैदिक परंपरा का जो ज्ञान का ग्रंथ है वो मुख्य है उपनिषदें। वेदों में कर्मकांड ज़्यादा है, प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन बड़ा रोचक है। ज्ञान का जहाँ विषय है हीरे मोती की तरह है, लेकिन उसकी मात्रा कम है, उपनिषदों में अधिक है। ज्ञान का ग्रंथ उपनिषदें हैं वैदिक परंपरा की, लेकिन उपनिषदों में न तो चमत्कार है, न अवतारवाद है, न पैगंबरवाद है, न दैववाद है। आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, आत्मशुद्धि, कर्म शुद्धि एकदम सही बातें हैं, लेकिन उस परंपरा के मानने वालों को देखो कितने डूबे हैं। जब कबीर और बुद्ध जैसे क्रांतिकारी पुरुषों के अनुगामियों में चमत्कार की भरमार है तो और क्या कहा जाए। तो ये लौकिक लाभ के लिए चमत्कारी बातें करते हैं लोग, सब झुठाई। और जहाँ झुठाई आई वहाँ पर सत्य कहाँ रहा, ज्ञान कहाँ रहा, विवेक कहाँ रहा। जो काइयाँ लोग हैं चमत्कार गढ़ते हैं और भोले लोग फंसते हैं। कितने लोग ईमानदार हैं वे बेईमान नहीं हैं, लेकिन उनके दिमाग में भरा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, तो झूठ कैसे हो गए। मास दिवस का दिवस भ्रम न जाने कोई। जब राम का जन्म हुआ तो अयोध्या में जन्मोत्सव चल रहा था, तो सूरज उस जन्मोत्सव को देखने के लिए आकाश में खड़ा हो गया, तो एक महीना तक खड़ा रहा और ये कोई जान नहीं पाया। इसीलिए वाल्मीकि ने लिखा नहीं, वो भी नहीं जान पाए, किंतु गोस्वामी जी जान गए जो 16वीं शताब्दी में हुए। मास दिवस का दिवस वहा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। वेदों में जीवेम श्रद्धा सतम, पश्चिम श्रद्धा सतम, श्रृणयाम श्रद्धा सतम कहा गया। हम 100 वर्ष जिए, देखें सुने, सैकड़ों सैकड़ों बार कहा गया है 100 वर्ष जीने की बात, लेकिन पीछे वाले कहते हैं हम वेद को मानते हैं और हजार लाख करोड़ अरब खरब बरस जीने की बात करते हैं। राजा प्रिवर्त 11 अरब वर्ष राज्य करता रहा, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है, 11 अरब वर्ष राज्य करता रहा।
2000 वर्ष का इतिहास ठीक से नहीं मिलता। 2000 वर्ष के और बाद पीछे पहले वाला प्राग इतिहास माना जाता, छिपा हुआ इतिहास। और 11 अरब वर्ष एक व्यक्ति राज ही करता रहा, उसके रथ के पहिए जहाँ जहाँ गए समुद्र बन गया। ये जितने समुद्र हैं राजा प्रिवृत्त के रथ के पहिए की लीक हैं, इससे अधिक और कुछ कहा जा सकता है? सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए, तो अतिशयोक्तियाँ, चमत्कार, ये सब प्रपंच धर्म में बहुत व्याप्त है। कथा कहानी बड़े बड़े मंचों पर बहुत लंबी चौड़ी बातें होती हैं, भक्ति के नाम पर प्रपंच करते हैं, विवेक ज्ञान की बात बहुत कम है धर्म सभाओं में भी। इसलिए यथार्थ ज्ञान की बात तो सुनने को भी कम मिलता है, सुनने वाले अधिकारी भी कम हैं, जो सुन लिए सुधारने वाले कम हैं, जो सुधारते हैं वे मनवाणी कर्म से तत्पर हो करके पूरा सुधार करने वाले कम हैं। लेकिन उसी कम वालों में हमें अपना नंबर रखना चाहिए। हमारी शुभकामना है कि सब ऐसे हो, हम अपने आप को उसमें रखें, दृढ़ संवेदनशील बने। जीवन की सार्थकता इसी में है, यथार्थ ज्ञान और स्वभाव का सुधार, बस मोक्ष। अपने को ठीक से समझ लो, आत्मा का स्वभाव निर्मल है, सारा मल अज्ञान से है, इसको धोने में हम समर्थ हैं, ये पक्का निश्चय हो जाए और फिर धोएं। ये डर लगता है अथवा संदेह होता है कि सुधरेगा कि नहीं, सुधारते सुधारते फिर मन में खराबी आती है, फिर भूल हो जाती है, फिर भूल हो जाती है। घबराने की आवश्यकता नहीं। धान काटने वाला, गेहूं काटने वाला, फसल काटने वाला गिन करके हंसिया नहीं चलाता है और टाइम भी नहीं देखता है, दिन भर लगा रहता है। हल चलाने वाला एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार गिनता नहीं है, सुबह से शाम तक जोतता है। जो रास्ता चलता है कदम गिनता नहीं है, चलता है। साधना करने वाला सच्चा साधक उभी आएगा नहीं, करेगा और लगन से करेगा, सफलता पक्की। हम काले शरीर को गोरा नहीं बना सकते हैं, स्त्री शरीर को पुरुष, पुरुष शरीर को स्त्री नहीं बना सकते हैं, लंबे को छोटा, छोटे को लंबा नहीं बना सकते हैं, लेकिन कामी मन को निष्कामी, क्रोधी मन को निष्क्रोधी, लोभी मन को निर्लोभी बना सकते हैं, उलझे मन को सुलझा सकते हैं, उद्वेगित मन को उद्वेग शून्य कर सकते हैं। ये हमारे में बल है। नहीं सुबस्ता भोग में अफल फले फलनाश, ताते ते पुरुषार्थ सुबस काज पर कास। सतगुरु विशाल साहेब ने कहा है, नहीं सुबस्ता भोग में, भोग में सुबस्ता नहीं, अफल फले फलनाश, जो न चाहो घट जाता है, हो जाता है, जो चाहो नहीं होता है। कितने लोग विवाह करते हैं संतान के लिए, संतान नहीं होती है। कितने लोगों को संतान होती है, जीवन भर वो केवल तकलीफ देती है अनेक कारणों से, स्वभाव बस, शरीर बस, किसी किसी संतान हो गई, हाथ पैर उसके व्यर्थ हैं। जीवन भर उसी की सेवा करो। किसी का स्वभाव है क्रूर है, माता पिता को सता रहा है, तो अफल फले फलनाश।
अंततः तो अफल फलेगा ही। आदमी भोगी भोगी आदमी भोग चाहेगा निरंतर, निरंतर हो नहीं सकता, इंद्रियां शिथिल होंगी, अति करेगा तो रोगी होगा, बीमार होगा, परेशान होगा। जिस पत्नी या पति में मोह होगा अपूर्णता दिखाई देगी, आगे चल करके विकृतियां आएंगी, सब कुछ टूटे फूटेगा, बिगड़ेगा, कणों का जोड़ सारा संसार है। तो असंतोष तो इसमें रखा रखाया है। अफल फले फलनाश तातेते पुरुषार्थ सुबस काज प्रकाश। इसलिए भोगों की कामना छोड़ करके आत्म सुधार के लिए काम करो, ये सुबस काम है। काम भोग की पूर्ति के लिए स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री चाहिए। निष्काम रहने के लिए किसी की नहीं जरूरत है, स्त्री स्वतंत्र पुरुष स्वतंत्र, किसी की दूसरे की जरूरतें नहीं है। बहुत भोग के लिए बहुत प्रपंच की जरूरत है, जीवन गुजर के लिए बहुत प्रपंच की जरूरत नहीं है। अगर निष्पाप रहना चाहते हैं और कल्याण साधना में बढ़ना चाहते हैं तो अपने ऊपर खर्चा करना कम करें, निरर्थक भोगों का तो त्याग करें, जीवन गुजर की वस्तुओं को सीमित मात्रा में लें, कम से कम मात्रा में लें, सादा सरल कम। जो निष्पाप जीवन बिताना चाहे, निर्मल जीवन बिताना चाहे, वह संतुलित जीवन बितावे, कम खर्चे में अपना गुजर बसर करने की चेष्टा करें। भोगी इच्छा होगी भोग की तो आदमी निष्पाप नहीं हो सकता है, फिर वो मलिनता पर लिपटता चला जाएगा। हमें निरंतर अपने को देखना चाहिए, अकेले में बैठो और देखो कि काम की लोलुपता जो पहले थी क्या वही है, क्रोध की भड़भड़ाहट घटी कि नहीं, लोभ लालच घटा कि नहीं, तृष्णा घटी कि नहीं, चिड़चिड़ापन घटा कि नहीं, कट शब्द बोलने की आदत घटी कि नहीं, अपने को देखो। और व्यवहार में जब उतरो तो वहाँ परीक्षा लो अपनी, कब भड़क गए। प्रायः लोग लड़कों पर भड़कते हैं, गुरु लोग शिष्यों पर भड़कते हैं, बड़े लोग छोटों पर भड़कते हैं, और सब नादानी है। भड़क करके ना अपना कल्याण है ना दूसरे का। लड़के पर भड़क जाओगे तो लड़का सुधरेगा नहीं, आपके प्रति विरोधी भावना उठेगी, भले उसकी गलती है लेकिन उसके मन में प्रतिक्रिया होगी, गलत क्रिया की गलत प्रतिक्रिया होती है, अच्छी क्रिया की अच्छी प्रतिक्रिया होती है। बच्चे के प्रति प्यार की बात करो तो उसके मन में भी आनंद की लहर आएगी, और बच्चे के प्रति कटु शब्द कहोगे विरोधी भावना आएगी, डर बस न कह पावे, अंदर में उगाली देगा। इसलिए कटु कहना झिड़कना ये बढ़िया रास्ता नहीं है, प्यार प्रेम यही बढ़िया रास्ता है। ज़्यादातर ये बड़ाई महारोग है, को कहे राजा तन ढाक के चलो, गुरु को कौन कहे, महंत को कौन कहे, घर के मालिक को कौन कहे, मंत्री महोदय को कौन कहे, मास्टर और डॉक्टर साहब को कौन कहे। जो बड़े कहलाने वाले हैं अपने अपने दर्जे से, उनको कौन कहे। इसलिए बड़ों का बिगाड़ ज़्यादा होता है, ये बड़े लोग ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, भड़बड़े हो जाते हैं। जो अपने को संभालेगा उसी का कल्याण है। घर का मालिक, समाज का अगुआ, जो घर का सेवक और समाज का सेवक है, गुरु समाज का सेवक है। सेवक अपने को मानना चाहिए, अगुआ और मालिक कभी नहीं मानना चाहिए, अगुआ मालिक भूल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये अपने आप को सुधारना बहुत बड़ी बात है। मन के इतने रेच पेच हैं कि वो रगड़ते रहते हैं जीव को, आदमी को पीसते रहते हैं। घमंड तो हमारा बहुत बड़ा है, ज्ञानी होने का, गुरु होने का, महंत होने का, मालिक होने का,
बड़ा बड़ा घमंड है। अब अंदर वाला जो दोष है हमें रुलाता रहता, रगड़ता रहता, तो ये घमंड क्या करेगा। एक ने एक बार मुझसे कहा था, महाराज मैं भक्ति नहीं करता हूँ किसी की, आज तक मैंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। मैंने कहा मन की भक्ति सबको करना पड़ता है, काम की भक्ति, क्रोध की भक्ति, लोभ की भक्ति, मोह की भक्ति, इंद्रियों की गुलामी की भक्ति, इंद्रियों की मलिनता की भक्ति सबको करना पड़ता है। सब सिर झुकाते रहते गंदी आदतों के सामने, तो बेचारे बहुत लज्जित हुए, भक्ति नहीं करते हैं। अरे इंद्रियों की लंपटता की भक्ति में सब रो रहे हैं, इतनी गुलामी करते हैं कि क्या कहा जाए। तंबाकू की भक्ति लोग करते हैं, पान की, सुपारी की, शराब की, कबाब की, खपड़ा माटी की खाने की आदत जिनको, उसी की भक्ति करते हैं। इंद्रियों की गुलामी तो सभी करते हैं, जो इंद्रियों की गुलामी छोड़ दे वही धन्य है। तो अहंकारी जीव का तो पतन के सिवा और कुछ नहीं। जो अपना स्वभाव सुधारना चाहे अत्यंत विनम्र बन जाए, बन जाए क्यों, क्या वो जब सुधारेगा तो अपने आप ऑटोमेटिक ही होता है। जो अपने को देखने लगता है नरमाता जाता है, जो अपने को नहीं देखता वो कड़ा होता जाता है, और जितना कड़ा होता है उतना वो कुद्रूप अंदर से हो जाता है, स्वभाव उसका, मन उसका कुरूप हो जाता है, और बाहर से भी उपेक्षित हो जाता है। गुरु भी अगर अहंकारी है, कटुभाषी है, वो भी उपेक्षित हो जाता है। गुरु सबसे बड़ी दर्जा है, गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर गुरु कटुभाषी है, अहंकारी है, तो वो भी उपेक्षित हो जाएगा, तिरस्कृत हो जाएगा। सद्गुण पूज्य, गुरु नाम होने से क्या होगा, साधु नाम होने से क्या होगा। माता पिता ठीक हैं, पूज्य हैं, लेकिन अगर अहंकारी हैं तो बच्चों के नज़रों से उतर जाएंगे। ये बच्चों की दृष्टि में माता पिता क्यों उतर जाते हैं, एक तो बच्चों का उन्माद भी होता है, दूसरा माता पिता की अपनी त्रुटियां भी होती हैं। अब बच्चे जवान हो गए और माता पिता राग रंग वाले हैं तो बच्चों को बुरा लगेगा। एक घर में रहते हैं, समझ में सब बात आती है, उनके मन में विद्रोही भावना उत्पन्न होती है, चाहे आगे चल करके वो भी यही करें। इसीलिए ऋषियों ने बताया था कि 50 बरस की उम्र हो जाए तो वानप्रस्थी बन जाओ, पति पत्नी दोनों संयम ब्रह्मचर्य से रहें। ऋषियों मुनियों की सब बात खराब नहीं है, आजकल तो फैशन यह है कि ऋषि मुनि और पुराने लोगों को सबको बुरा कहो, तब रैशनल विचार प्रगतिशील। लेकिन हम अपने पूर्वजों की अवहेलना करके कुछ नहीं पाएंगे। पूर्वजों की कृपा है जो हमें कुछ दिखाई दिया है, हाँ उसमें जो संशोधनी बात है शोध ले। साहिब ने तो कहा है साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभा है, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साहेब ने शुभ का उदाहरण दिया, फटक लो भूसी उड़ा दो चावल रख लो। ऋग्वेद के ऋषि ने चलनी का उदाहरण दिया, सक्तमेव तितना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रैश्याम लक्ष्मीर नेता दिवाच। चलनी से जैसे सत्तू छाना जाता है, ऐसे विवेक द्वारा वाणी को छानो, कहीं कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। लोग शब्दों की छाया पकड़ करके भटकते फिरते, लिखा है लिखा है लिखा है, अरे लिखा है क्या लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है इसकी चिंता मत करो, क्या लिखा है ये सोचो, किसने कहा है मत सोचो क्या कहा है। चाहे जिसने भी कहा हो, दो दो पाँच कहा है वो गलत है, और कहीं भी लिखा हो दो दो पांच गलत है, दो दो चार दीवार पर लिखा है तो वेद शास्त्र गुरबाणी है। यह जब विचार होगा तभी सत्य का मोती मिलेगा। मूल विचार में आकर के मैं विराम दूंगा। स्वभाव सुधार, स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान, अपने आप की पहचान हो जाने के बाद
जब ये समझ में आ गया आत्मा स्वभाव से निर्मल है, सारा मल हमने मन इंद्रियों के विकारों से बनाया है, इनको हम त्याग सकते हैं, त्याग करके ही परमानंद परम शांति है, ये सब बातें समझ में आ गई, तब इन्हीं का वक्तव्य देना और सुनना मात्र काम नहीं रहा। वक्तव्य देना सुनना ठीक है, लेकिन जरूरी है सुधार का, सुधार की जरूरत है, सुधारें, निरंतर अपने को देखें। आप स्वयं अपने को नंबर देने वाले हैं, इसमें नंबर देने वाला दूसरा नहीं है। पहले से क्रोध घटा हो, काम घटा हो, लोभ घटा हो, मोह घटा हो, उद्वेग घटा हो, अशांति घटी हो, दुख मानने की प्रवृत्ति घटी हो, जो आप झीकते रहे, तनिक तनिक बात में दुखी होते रहे, घर वालों से लड़ते रहे, साथियों से लड़ते रहे, ये सब घट गया है। लड़ते क्यों हैं? क्योंकि अव्यवस्थित हैं। जहाँ व्यवस्थित हो जाएंगे लड़ना बंद। विजानन विद्वान भौति नातिवादी, जो यथार्थ ज्ञानी होता वो अतिवादी नहीं होता, बड़बड़ की बात नहीं करता। हम अपने को सुधारें, सुधारने की चेष्टा होगी, वैसी लगन होगी, वैसा मनन होगा, जितना साधना में आप लगेंगे उतना नरमाते चले जाएंगे। वो स्वाभाविक कारण कार्य व्यवस्था है। जो आत्मदृष्टा हो, अपने दोषों को देख लिया वो धन्य है। ज्ञानी वह नहीं है जो वक्तव्य कर दे, ग्रंथ लिख दे, ज्ञानी वह है जो अपनी कमजोरियों को देख ले और उसको निकाल डाले, वो ज्ञानी है। जब सुकरात आज से 2500 वर्ष पूर्व एथेंस नगरी का ज्ञानी, यूनान देश एथेंस नगरी, सुकरात से किसी ने कहा आप महान ज्ञानी हैं, उन्होंने कहा मैं जरूर ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं अपने अज्ञान को समझने लगा हूँ। अपने अज्ञान भर को नहीं समझ मिलता है, और ज्ञान का तो बहुत बड़ी गठरी है। एक आदमी तो तांबे की पट्टी अपने सिर में बांधे रहता था, तो लोग पूछे क्यों बांधे हो, तो कहे हमारे ज्ञान इतना है कि पट्टी न बांधे रहूँ तो सिर फट जाएगा। ह्वेन त्सांग ने भी ऐसे ऐसे अहंकारियों का वर्णन किया है, मैंने डायरी में लिखा, मेरी और ह्वेन त्सांग की डायरी। तो अहंकार तो सबको परले नंबर का है, साधक का अहंकार गलता चला जाता है, और जब पूरा अहंकार गल जाता है बस बेड़ा पार है। तो आत्मज्ञान, परमार्थ का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, जो भी परमार्थ के ऊंचे ऊंचे शब्द हैं, अगर उन शब्दों से व्यक्त भाव का बोध हो गया है, समझ हो गई है, तो एक ही काम अब करना है, अपने स्वभाव को सुधारना, अपने मन वाणी कर्मों को परिमार्जित करना। इनके परिमार्जन से ही कैवल्य, कल्याण, परमानंद, परम शांति है। और यह काम हम आप कर सकते हैं और इसे करना चाहिए।